बहुत ज्यादा छोटा छोटा रूम है, इसमें तीन लड़की कैसे रहेगी? देख दिखा इसको जरा, बताओ जरा कैसे रहेंगे यार इसमें। पुराना वाला हॉस्टल नहीं सही था इससे तो। ये हम लोग का नहीं होगा, इतना तो हमको पता है। इस हॉस्टल में सुषमा पक्का गुम हो जाएगी। चलो ऊपर चलते हैं, चलो देखते हैं किस तरफ के रूम में रहेंगे हम लोग। पहले से देख लेंगे तब रूम। अरे रूम का नंबरिंग अब तक नहीं हुआ है तो कैसे रहेंगे? इधर डाइनिंग, डाइनिंग यहाँ का बहुत अच्छा है। लिफ्ट भी लगा हुआ है यार, ओ लिफ्ट भी है, लिफ्ट भी है। और ये क्या है? अरे कॉमन रूम, ये देखो रैगिंग रूम, कॉमन रूम, कॉमन रूम में आके सब लड़ाई कर रहा है एक दूसरे में। इधर आओ, कम इन दिस साइड। क्या है उधर? अच्छा चल इधर घूमने के लिए ठीक है सामने। हाँ भाई तो हाँ सही बोले, इधर आओ इधर आओ। अभी आज धूप आता तो पता चल जाता। अच्छा इधर देखो बाथरूम कितना अच्छा है। बाथरूम अच्छा है। चार नहाने वाला, चार वो भागने वाला। हम तो डायरेक्ट इसको अपलोड करने वाले हैं, नो एनी एडिटिंग। जो बाद में देखेगा उसको पता चल, वही ना यार। हो जाएगा, नहा लेंगे। दूध पर थोड़े नहाना है, ब्रश रख। बाप रे बाप, ट्रिपल सीटेड कैसे रहेंगे यार? ये थोड़ा बड़ा लग रहा है रूम को। बड़ा नहीं लग रहा, अरेंजमेंट वैसे ये सही है। उसे ऐसे कभी कोना टाइप में लगा देना है उसको, साइड चेयर लगा लेना है। लेकिन रखेंगे कैसे यार? सब पूरा नया नया घर है ना, अब इसमें ठंडा भी बहुत लगेगा। ठंडी का दिन में ठंड भी बहुत लगेगा, नया घर में ठंड लगता है। सुने इसमें ताला कैसे लगाए? अच्छा वहां से लगाने वाला है, ताला नहीं दिया हुआ। है चार्जिंग पॉइंट, देखो सबके पास, अति के पास तीन वो है ना। हाँ, तब उधर होगा
और ये वाला मेन सिक्कड़ वाला ताला लगाना पड़ेगा। चलो सिंगल सीटेड वाला रूम भी देखेंगे कहाँ है। सबसे ऊपर है। अच्छा हाँ इधर ही ठीक लग रहा है वैसे। प्रीति हम लोग जब आएंगे तो सबको अपना अपना रूम दिखाना। पहले तो आधा भुलाते ही रहेंगे कि कौन रूम में कौन रहती है। ये सिंगल सीटेड है लगता। नहीं 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 इसमें इलेक्ट्रिक वाला चीज़ है। अपना राज चलेगा इसमें राज। ये वाला पता है इसमें धूप दोपहर में बहुत ज्यादा आएगा। दोपहर जैसे 12 बजे का ना उसके बाद धूप बहुत आएगा इसमें। इधर वाले में जैसे ही 9-10-11-12 के बीच का हाँ हवा तो आ रहा है। पता है रूम किधर का लेना चाहिए? उस साइड जिसका खिड़की उस साइड हो। जिसका खिड़की उस साइड हो। हाँ अपोजिट साइड वाला में उतना हवा नहीं आता क्योंकि मेरा खिड़की उस साइड है ना, उसमें हवा बहुत आता है। देखो ये सामने है मेरा। हाँ तो मेरा खिड़की उधर हुआ ना। हाँ इधर खिड़की वाला रूम सही रहता है। चलो इधर चलते हैं देखते हैं। कुछ कुछ साफ हो गया है, कुछ कुछ बचा है। आधा अपने से करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। इधर से भी सीढ़ी है, इधर से भी सीढ़ी है, ये याद रखना। इधर वॉशरूम है, इधर वॉशरूम है फिर से ना। ये क्या है? सिंगल सीटेड। ये सिंगल सीटेड होगा। स्टोर रूम में ऐसा थोड़े है। स्टोर रूम में रहोगी तो बाथरूम वाला सारा कच 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 आएगी, हल्ला करेगी। वो स्टोर रूम नहीं मिलेगी। हाँ इधर इधर तो रूम है ही नहीं। इस साइड रूम होना चाहिए था, तब नहीं कर रखते लेते। वही ना जिधर ज्यादा हवा का थी आता है उधर से। हाँ रूम में नहीं है साला। इस पे भी नहीं है रे साला। इधर खाली वॉशरूम बना के छोड़ दिया तो मतलब सबसे ऊपर। सबसे एक और ऊपर है, ये सेकंड फ्लोर है ना। हाँ इधर देखो, इधर साफ हो गया है। ये साफ हो गया है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर साफ है। देखो रूम का नंबर, रूम नंबर 25, रूम नंबर 22, 21, 20, 26। हाँ फर्स्ट ही फ्लोर यार। देखो ना इधर से हवा आता है। इधर कहाँ है, कौन सा साइड है? नहीं तो आगे वाला साइड है। हाँ पूरा पूरब साइड में कोई रूम ही नहीं है। सेम है सब पे ऐसे दिया। क्या तो ये स्टोर रूम टाइप का होगा सब फ्लोर में। दो हम
एयर का डायरेक्शन तो पहले देख लेता कि हवा किधर से किधर चलता है। ऐसे रूम बना दिया है, वो हॉस्टल कितना अच्छा से बना हुआ है वहाँ का। नो एडिटिंग, डायरेक्ट अपलोडिंग। चलो इधर पहले देख, सारे फ्लोर पे तो अति होगा तो नहीं, बस एक ही फ्लोर पे, बस फर्स्ट फ्लोर पे कॉमन रूम है। हाँ ये सारा सिंगल है, सिंगल है ना, दिखाओ। ओह माय गॉड, अच्छा लग रहा है लेकिन, क्यूट है। हम लोग का भी रूम थी लेकिन अच्छा लग रहा है रूम यार, वाइब्स कितना अच्छा है। फोर्थ ईयर में जाए, हम लोग तो चले गए ना, हम लोग को नहीं मिल पाएगा क्या। अच्छा देखते कितना रूम है। हाँ तो हम लोग 30 लड़की है ना, 38 लड़की, हम एमटेक वाली भी है साथ में, ऐसे मिलेगा। यार क्यूट सा रूम हम लोग को मिल जाता, मजा आ जाता है। ट्रिपल सीटेड में रहना पड़ेगा, ओ माय गॉड। सारा इधर ट्रिप सिंगल सीटेड है, ये भी सिंगल सीटेड ही। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन, 11 को है। नहीं ऊपर होगा, ऊपर भी होगा। हाँ इधर ट्रिपल सीटेड है सब, ट्रिपल। हम सोच रहे हैं ट्रिपल में भी कोई बड़ा रूम नहीं है क्या, हमको ना इस फ्लोर वाला रूम थोड़ा बड़ा लग रहा है फर्स्ट फ्लोर से, ज्यादा सेकंड फ्लोर से, सेकंड फ्लोर के कंपेयर में ये सब रूम बड़ा है। हाँ देखो हम फर्स्ट फ्लोर पे रूम लेंगे चाहे तो सेकंड फ्लोर पे रूम लेंगे, क्योंकि ये सब रूम थोड़ा बड़ा लग रहा है। नहीं नहीं बड़ा है, बड़ा है, इसमें देखो चार बेड जाएगा, इसमें चार बेड अट जाएगा, देखो अच्छे से कितना अच्छा से रखा हुआ है। फिर भी और उसमें तो हर बेड के बीच में रहना चाहिए, वही ना। ऊपर से दो ही खिड़की है यार। हम एनी टाइम अपना गेट, रूम का गेट खोल के रखते हैं क्योंकि हमको हवा का बहुत जरूरत रहता है। काश हम लोग को ये सब मिल जाता। चलो इधर क्यों जा रही हो, चलो अदिति। यार उसी में रह लेते हैं, हमको नहीं आना है इसमें। साला इधर ये वो रूम नहीं बनाया है, जिस डायरेक्शन में रूम बनाना चाहिए तो उस डायरेक्शन में रूम ही नहीं बनाया है। देखो इसमें भी है ना 11 22 रूम, मे बी उधर ये वो उधर बाथरूम वॉशरूम होगा ना, तो 20 हो गया। कितना 20 होगा ना, वो ऊपर नीचे के वॉशरूम होगा दोनों में। हाँ वो बहुत एयर का अथी नहीं है उतना अच्छा, एयर का अच्छा नहीं है। हाँ तो वहाँ वही तो बाहर बस इसी कॉरिडोर में निकलते हैं, इतना ठंडा ठंडा लगता है। ये सबसे लास्ट फ्लोर है ना हम लोग का, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में बस अथी लगा हुआ। चलो अच्छा, सेकंड और थर्ड, सॉरी हाँ सेकंड और थर्ड में सिंगल रूम। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर, वाह वाह वाह। अरे ऊपर भी एक रूम है सर,
वही ना, लग रहा है जैसे फांसी लगाने के लिए बनाया गया है। क्या है यार ये, वही ना इससे लगा दिया है, बात लड़की लोग आएगी रात में गिर जाएगी। ऐसे रात में हम पार्टी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बैठने का ऐसी बना हुआ है। ओह अच्छा, बड़ा में अपना हॉस्टल जो है उसी के कंपेयर में उतना ही है, वो ज्यादा बड़ा है। ये बहुत सफोकेशन है। हाँ हमको तो इसी सांस का इतना बीमारी रहता है, बाप रे। ऊपर का थोड़ा व्यू मस्त है। अब ये से टूट फूट रहा है जोर चलो यहाँ पानी का कोई दिक्कत नहीं होगा जल्दी, पानी का दिक्कत। इस पे सबसे ऊपर वाले छत पे ही मोटर लगा दिया है ना रे। तो ये है हमारा नया कॉलेज, नया नया हॉस्टल। बस यहाँ से ये है कि हाँ देखने में अच्छा लगेगा, व्यू अच्छा है।